हे गाइस, वेलकम टू बॉक्स वर्ल्ड एक्सटिंक्शन मैप। और आज हम लोग जा रहे हैं थ्रेजिनोसॉर करने के लिए, क्योंकि हम लोग को करनी है ड्रैगन बॉस फाइट। और उस क्योंकि हम लोग को टेक टैपेरा चाहिए और हम लोग को टाइटन्स टेम करने, तो टेक टैपेरा की साइड लगेगी। उसके लिए हम लोग को थ्रेजिनो करने के लिए हमको हनी चाहिए होगा। सो हम लोग सिटी में ही हैं, सिटी में ही अभी हम लोग वहाँ नहीं जा रहे जहाँ पे गाचर्स मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने, अगर आपने मेरी बेयर वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने जिस बीहाइव को अटैक किया था बेयर वाले में, तो उसमें से बीज छोटी छोटी निकलने लगी थी। इसका मतलब उसमें बीज हैं। ज़रूरी नहीं होता कि किसी बीहाइव जो बना हुआ उसमें बीज हो। सो लेट्स जस्ट चेक, जो आपको ऊपर ये बीहाइव दिख रहा होगा, हम लोग को बीज चाहिए हनी के लिए, जिसमें कि हम लोग थ्रेजिनोसॉर की केबल बना सकें, क्योंकि थ्रेजिनोसॉर को उससे करना, ये आरजी सुन नहीं रही है, आई थिंक एक्सेस नहीं हो पा रहा है, मे बी शायद आरजी को इतनी दूर दिखाई नहीं दे रहा है, मे बी हाँ इसको दिखाई ही नहीं दे रहा है। थोड़ा और पास से करने की कोशिश करते हैं, मे बी ये पहुँच जाए। तो हाँ, हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग आरजी से अटैक करवाएंगे और उसके बाद इसमें से जायंट भी निकल आएगी और फिर हम उसको एयरक्राफ्ट से टेम कर देंगे। पर आई थिंक यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो चलते हैं हम लोग। और भी बहुत से हैं सिटी में, अनगिनत बीहाइव्स हैं। सो आप सीधा बीहाइव से हनी निकाल भी सकते हैं, जैसे कि आपने मेरी बेयर वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें हम लोगों ने, अगर नहीं देखी है तो मैं आग गेम प्ले आई बटन में डाल दूँगा, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उन्हीं में एक है। सो ये यहाँ से एक्सेस तो हो रही है। सो आप राइट क्लिक वाला जो अटैक है, लेफ्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक वाला जो अटैक है बेयर का, उसे आप कलेक्ट कर सकते हैं शांति से, बिना बी को अग्रेसिव करे हुए, और आपको सीधा 50 हनी मिलता है। ऐसे तो बहुत ही धीमे धीमे प्रोड्यूस होता है बी हाइव में, लेकिन वो आपको सीधा 50 दे देगा। लेकिन ये भी है कि हनी बहुत जल्दी ख़राब भी होता है, अगर आप बी हाइव रखे हुए हैं तो उसमें ख़राब नहीं होगा। सो आई थिंक इसके अंदर बी नहीं है, जैसे कि आप लोगों के सामने एग्जांपल दिख गया, इसके अंदर बी नहीं ही है, तभी कुछ भी नहीं निकल रहा था उसमें। तो इस साइड पे एक और है, आई थिंक शायद दो हैं मे बी। सो इधर भी हम लोग आरजी को कह के देखते हैं, हो सकता है चली जाए अगर यहाँ तक एक्सेस हुआ। वैसे होगा, इतने काफ़ी नीचे है, वरना अपने पास गाचा वाली जगह का तो है ही है ऑप्शन, वहीं पर इसको कह देंगे। चलो जा रही है वहाँ तक। सो गाचा वाला जगह की ऑप्शन तो है, लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें भी बी नहीं है, क्योंकि हाँ इसमें भी बी नहीं है, तभी आरजी मार रही है और कुछ भी उसमें से निकल रहा है, मारते ही तुरंत बी निकल आती है, अगर आप पास भी जाते तो भी निकल आती है, मारने पे ही क्या। तो एक काम करते हैं कि इसको भी रहने ही देते हैं, थोड़ा मार, मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ निकलने वाला है इसमें से। सो गाचा वाली जगह पे तो मुझे 100% श्योर है कि वहाँ पे बी मिलेगी ही मिलेगी। और हाँ, हम लोगों ने इंडस्ट्रियल कुकर बना लिया है, और इंडस्ट्रियल कुकर की वजह से अब काफ़ी आसान होगा थ्रेजिनो को टेम करना, क्योंकि थ्रेजिनो का टॉर्पोर रेन रेट वेरी हाई होता है, गीगा के बाद सबसे ज़्यादा है। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने सही गेस किया था, वरना अब तक निकल आता है, कोई ना कोई कुछ तो मारता। इस पर भी ट्राई करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिटी में किसी भी बीहाइव में कुछ नहीं है। हाँ, किसी भी बीहाइव में कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, इतनी देर में निकल आती है बी। सो आई गेस हम लोग को गाचा वाली जगह पे ही जाना पड़ेगा। सो गाइस, हम लोग गाचा वाली जगह पे आ चुके हैं, और जिस जगह पे आप लोगों ने मेरी बेयर वाली वीडियो में देखा था, आप लोगों को मैं आपको दिखा देते हैं, इसी जगह पे हम लोग आए थे, और कोड्स भी आप लोग को बता देते हैं। सो ये है 2822, और बिल्कुल सामने आपको मेरे बीहाइव दिख रहा होगा। सो इसी बीहाइव पे उन्होंने अटैक करवाया था अपनी बेयर से, और इसी में से वो निकली थी बी। सो आरजी से हम लोग कोशिश करते हैं कहने की, अगर हम लोग यहाँ से कह पाए, इसको कर देते हैं चेंज टू इग्नोर ग्रुप रसल, इसमें कि ये ना भागता हुआ चला है, सिर्फ आरजी जाए। सो ये हो नहीं रहा है, विसल नहीं हो रहा है, आई थिंक इट्स ब्लॉक्ड। हाँ, ये ब्लॉक्ड है बाय द रॉक्स, यहाँ से खड़े होकर हम लोग को करना पड़ेगा, ज़्यादा पास भी नहीं जा सकते, वरना बीज जो है वो स्टन कर देती हैं, काफ़ी देर तक हेल्थ ले जाती हैं, और वो किसी को भी स्टन कर सकती हैं, आपको भी और आपके क्रीचर्स को भी। तो ज़रा सा और पास जाएंगे हम लोग, बस थोड़ा सा ही। अरे जाओ तो मैडम, शायद जाएगी, ओके जा रही है।
इसमें भी नहीं है क्या? है। सो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सामने बीज निकल आई हैं। सो हम लोग और ये इस तरह इन्होंने स्टन कर दिया। मेरी आरजी भागती नहीं है, कोई नहीं भागता है, वो मार नहीं जाएगा सीधा। ये स्टन हो गई है, इसी वजह से ये भाग रही है उन लोगों से। तो एक काम करना पड़ेगा हम लोग को, आरजी से मतलब अपने मैंने गार्मर से आरजी को बचाना पड़ेगा, वरना मर ही जाएगी। स्टन में बहुत जल्दी मरते हैं लोग। जस्ट नीड अ लिटिल हेल्प। और हम लोग खुद नहीं मार सकते क्योंकि ये लोग, हाँ और एक बात और है, जो बीहाइव्स हैं आई मीन बीज हैं, वो डिसमाउंट कर देती हैं आपको अपने माउंट से। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी आरजी को भेज ही देते हैं अगर ये सुन पा रही हो। थोड़ा और पास जाना पड़ेगा। सुन लो बेटा, ओके सुन लिया। जब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसमें से जो क्वीन भी है, ये तो जायंट भी हैं, यानी इनकी कह सकते हैं छोटे औहदे वाले, और क्वीन भी जो निकलेगी उसको हमको टेम करना है। उसके पास एक ही रेयर फ्लावर लगेगा चाहे उसका कोई भी लेवल हो। वैसे लेवल तो पांच ही होता है, जस्ट लाइक टाइटैनो, पांच ही लेवल की स्पॉन होती है। बस उसको आपको टेम करना है। वैसे भी वो प्रोडक्शन के लिए होती है, वो कुछ फाइट वाइट तो करेगी नहीं, और ना इसमें पॉइंट्स जाते हैं। सो ये हुआ। और नीचे आपको, और हम लोग मर भी जाएंगे। मैंने घर में, और जल्दी से रहो मैंने घर में बेटा। ये ऐसे काम नहीं होता है। अभी हम लोग का कांड हो जाता है अगर वो जायंट बी ने छोड़ा ना होता हम लोग। तो इसी तरह ये आपको डिस्माउंट कर देंगे। हम लोग किस्मत अच्छी थी कि हम लोग बच गए, नहीं तो अभी मर ही जाते। तो वापस हम लोग की आरजी अपने काम पे लग गई है, बस मर जाएंगे किसी तरह। बच जब मार 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 मार, थोड़ी सी और हेल्थ बची है, जस्ट 1K और मार ले। बस कभी भी क्वीन भी निकलती होगी तो आपको ध्यान भी रखना है। ये नहीं कि अभी आरजी मारती जा रही है तो आप कुछ नहीं करेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्यों क्वीन भी जो है निकलते समय आरजी उसको मार ना रही हो, क्योंकि उसकी हेल्थ काफ़ी ही कम होती है और वो एक ही दो हिट में आरजी मार देगी बहुत आराम से, और काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होती है। सो कीप दैट इन माइंड, और तभी ही घुसिएगा। आरजी को हटा लीजिएगा वैसे एंड पे तो आप थोड़ा बहुत डैमेज कर ही सकते हैं। और हाँ, टेम करते समय भी क्वीन बी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉन करती ही रहेगी। सो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अपने साथ अपना गिली सूट लाया हूँ। मैंने गिली सूट को असेंडेंट तक अपग्रेड कर दिया है, क्योंकि जो क्रीचर्स हैं जिनको पैसिव टेम करना होता है, जैसे कि आर्थरो, एरनेओ और ऑनिक और ये खुद ये क्वीन बी, ये सब जो हैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी आपको देख लेते हैं। सो अपना गिरी सूट को असेंडेंट कर ही लीजिएगा, इतना कुछ खास डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आपके पास गाचा है, अगर आप एक्सटिंक्शन पे खेल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक पॉलीमर अलग अच्छा मिल जाता है, या फिर करप्टेड नोड्यूल भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं। वैसे करप्टेड नोड्यूल से आई थिंक नहीं ही बनता है गिरी सूट आप, हाँ ऑर्गेनिक पॉलीमर लगेगा। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर मिल जाता है गाचा, और गाचा करना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ स्टोन तोड़ के उसको थोड़ा स्टोन ही खिलाना होता है, बहुत ही सीधा टेम है। सो बस जरी सी हेल्थ बची है, और ये जायंट भी हम लोग को फिर से डिस्माउंट, चलो बच गए, नहीं भी डिस्माउंट ही कर देती। थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और कह देते हैं अर्जी से मारने के लिए। अर्जी आ जाओ, ये जो बगल में डिलो चल रहा है ना, ये कांड करेगा। ये हम लोग पर एग्रो हो गया ना, तो क्वीन बी को तो मारेगा ही और हम लोग को भी मार देगा। ओके सो देयर यू सी, ये जा रही है क्वीन बी, देखो सामने दिख रही होगा जायंट क्वीन बी, और ये लगातार स्पॉन करती रहेगी जायंट बीज को अपने प्रोडक्शन के लिए। सो इससे आपको दूर रहना है, और अपनी आरजी को हम लोग बुला लेते हैं, उसका काम हो चुका है, उसको मानना नहीं किसी को। और थोड़ा दूर चलते हैं इससे, जिसमें कि पानी के ऊपर ना चली जाए, फिर टेम करना मुश्किल हो जाएगा। सो आरजी को रख लेते हैं अपने क्रायो में, इससे पहले ये किसी को मार दे। इधर ही है, उधर नहीं जाना है। कहाँ हो यार आरजी, इधर आओ जल्दी। भाई अभी तो व्हाट द हेल, आओगी मैडम? फॉलो कब करोगी तुम?
फॉलो सिस्टम बड़ा खराब है, तुम ही घुस लो मुँह में। लेट्स जस्ट क्राई हिम। और ये रही क्वीन बी, ये डेलो को पहले मार लेते हैं इससे पहले ये कांड कर दे। बस अब शांति से मैं ज़रा थोड़ा दूर मैंने घर में खड़ा कर देता हूँ, और धीमे से हम लोग उतर के प्रेयर फ्लावर रखा ही हुआ है, दिख रहा होगा आपको सामने, अपने हॉट बार में रख लीजिएगा, नहीं सबसे आखिरी बार जो होता है। और बस धीमे से हम लोग उतर के इसको दूर खड़ा कर देते हैं मैंने गार्मर को, और बस धीमे धीमे जाएंगे क्राउच करके या मे बी शायद प्रोन करके लेट के। इसको बस एक रेयर फ्लावर खिलाना है, देखते हैं कैसे खिला पाते हैं, बड़ा मुश्किल पड़ता है इसको खिलाना। अगर आप पूरा हीरी सूट भी पहने रहेंगे तब भी इसको पता चल ही जाता है कि आप आ रहे हैं। अरे मैंने गार्मर मैं ही चूता हूँ, चूतिया सही है, मतलब उससे हटाया नहीं फॉलो से, अभी भी नहीं हटाया क्या? जब भी आवाज़ आ रही मैंने घर में रही। तुम फिर आ गए, पता था आप जाके इसको सुनाई दिए। यही प्रॉब्लम है ग्रुप विसल्स इग्नोर करने का, कभी कभी आप भूल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा भूल जाते हैं। तो ये लगातार स्पॉन करती रहेगी, नहीं भी देख रही होगी आपको तो भी, बस किसी तरह हम लोग खिला पाएँ। अगर छुपते छुपाते नहीं खिला पाएंगे तो दौड़ के खिला देंगे, लेकिन खिला तो देंगे ही, टेम तो करना ही है। वी नीड दैट हनी, केबल बनाने में बहुत काम आती। अरे यार कहाँ जा रही है, पानी के ऊपर क्यों जा रही है, इधर आ जाओ बढ़िया। ये कहाँ निकल गई, व्हाट द हेल, इसको बुलाने जाना पड़ेगा क्या? सो देख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा सा जब तो आउट ऑफ साइट ही चली गई, थोड़ा सा है मतलब फ्रस्ट्रेटिंग काम है, लेकिन कर भी क्या ही सकते हैं, हर काम आर्क में फ्रस्ट्रेटिंग ही है, क्योंकि इसको लेवर करने की कोशिश करते हैं, डराते हैं अपने मैंने कारमार से ताकि ये अपोजिट साइड चली जाए, ज़मीन के पास चली जाए जिसमें कि हम लोग इसको टेम कर पाएँ। जा रही है आई थिंक, बहुत ही ऊपर जा रही, इतनी ऊपर तो नहीं जाना चाहिए वैसे, वहाँ तक तो पेड़ पे चढ़ के नहीं कर पाएंगे हम लोग, डराना ही पड़ेगा इसको। थोड़ा आसपास घूमते हैं, देख ले मैडम, ओ मैडम देख, वाह मैडम ने देखा, उनके चेहरों ने देख लिया। और हाँ ये बहुत अच्छी बात है, वाओ हम लोग बस यूं ही घूम रहे थे और थ्रेजिनो ही करने के लिए आए थे, और मेन थ्रेजिनो ही मिल गया 130 का, दैट्स वेरी वेरी नाइस। आरजी निकालते हैं, मैंने गार्मर तो टहल चुका, आरजी से ही उड़ के हम लोग डरा पाएंगे क्योंकि वो होती रहेगी, ये तो ग्लाइड करता है थोड़ा सा पास। ओके ये डर चुकी है, अब ये भागेगी, ओके अब ये भाग रही है, भाग भाग भाग, अब तुम निकलो। अरे निकली गए। और हाँ एक बात और कि जायंट बी जो है, जो अपने क्वीन बी जो अपने जायंट बी स्पॉन करती है, वो थोड़ी देर में मर जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको, थोड़ी देर में वो अपने आप ही डिस्पॉन हो जाते हैं, लेकिन वो लगातार इतने स्पॉन कर देगी कि आपको परेशानी होने लगेगी। सो आई थिंक अरे तुम लोग मरो, मर गए तुम, ओके सो आई थिंक ये उतर चुकी है ऑपोजिट साइड में, यहीं गई थी, कहाँ गई, उतरी भी बहुत ही ख़राब जगह है थ्रेजिनो के सामने, काफ़ी रिस्की जगह है, बाकी तो कोई मानने वाला नहीं है। थ्रेजिनो के थोड़ा पिछवाड़े में थोड़ी सी खुजली होती है, वो मारने के लिए हर समय किसी ना किसी के पीछे, मतलब किसी ना किसी नहीं मतलब स्पेसिफिकली मेरे पीछे खासकर पड़ा रहता है, क्योंकि मैं पता नहीं इसकी शायद बहन को लेके भाग गया था, आई डोंट नो किसको लेके भाग गया था, मतलब मेरे ही मतलब आई डोंट नो पता नहीं क्यों पीछे पड़ा रहता है ये।
और ये एक अकेला हर्बी बोर है जो कि आपको मारेगा सामने से आगे, बाकी और कोई नहीं मारता। और कानी बोर तो सारे ही मारते हैं ऑब्वियसली। तो एक काम करते हैं, हम सीधे खिला देते हैं। नाइस। हाँ तो इससे अच्छा है, स्नीक करने से अच्छा है, टीली तो पहन के आइएगा ही, मतलब आपको पास भी नहीं आने देगी। सो गाइस दैट इज़ योर जैंड भी, पास से देख लो भाई कैसी है, मुझे वो बढ़िया लगती है। वो अलग बात है कि बिहाइव बनने के बाद नॉट सो इंटरेस्टिंग, पर बढ़िया है। सो दैट्स योर जैंड भी, और ये आपको दिखा बिल्कुल सामने आपके, मैंने जो बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि जो जैंड भी है, आई मीन क्वीन भी है, उसके जैंड भी जो स्पॉन करती है वो थोड़ी देर में मर जाते हैं। सो एक काम करते हैं, इसका बी हाइव बना लेते हैं। ये इस तरह देखिए बी हाइव बन गई, एडेड बी हाइव लिखा है लेफ्ट में। सो अब ये बी हाइव आ चुकी है हम लोग इन्वेंट्री में, हम लोग इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, अब ये स्ट्रक्चर बन चुका है। सो एक काम करते हैं, अपनी आरजी को कर लेते हैं क्रायो, और ये रही बी हाइव बिल्कुल सामने दिख रही होगा आप लोगों को। सो क्रायो लाए हम लोग काफ़ी सारे थर्जिनो टेम करने की सोचा है, और काफ़ी सारे बी हाइव्स आई मीन बीज टेम करने की सोची है। देखते हैं हम लोग को कितने बीज मिलते हैं और कितने खाली बी हाइव्स मिलते हैं। दो तीन बीज मिल जाएँ तो काम बन जाए अपना। सो लेट्स चेक मोर बीज। वाओ वेचर्स ने काफ़ी सारे क्रिस्टल्स गिराए। ओके गाइस, सो हम लोग घर आ चुके हैं। हम लोग को किबल बनानी है, ऐसे हम लोग चालू नहीं कर सकते थ्रेजिनों का। सो हम लोग को दो बी हाइव्स आई मीन दो ही बीज मिली, मैंने पाँच से छः नहीं सात, हाँ सात मैंने बी हाइव्स चेक करे, उसमें से दो में से ही सिर्फ बीज निकली। सो दो ही कर पाए हम लोग टेम, वही सेम प्रोसीजर था, उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं था, और इतना बड़ा टेम भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक टेम है। सो अगर आप इसको डिमोलिश कर देते हैं इस तरह, आप इसको वापस डिमोलिश भी कर सकते हैं, तो आपकी बी आपको वापस मिल जाएगी। सो दैट्स योर बी। और इसी तरह आप जो दूसरी वाली है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आप इसको क्रायो करेंगे तो क्रायो भी कर सकते हैं, ऐसे उठा के भी ला सकते हैं। और ये रही आपकी दूसरी वाली जो हम लोगों ने टेम कर ली थी, ब्रॉड डे लाइट में आप लोगों को दिखा देते हैं। ओके थोड़ा सा इधर आ जाओ दोनों ही लोग, थोड़ी सी लाइट की तरफ कर लेते हैं। सो आई गेस आप लोग ने कभी भी मे बी किसी भी यूट्यूबर से मे बी जैंट भी नहीं देखी होगी सामने से। सो दैट इज़ योर जैंट भी, जैंट भी सच में। सो ये रही आपकी जैंट भी सामने से, और ये रही पिच्छू से। तो ये रहा इसका डंक, काफ़ी टेक्सचर दिखे कितने प्यारे हैं यार, बहुत बढ़िया बनाया है। वो जो पानी होता है, पानी की परत वो तक दिख रही, और आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आप लोगों को हेलीकॉप्टर की जैसी आवाज़। सो बहुत हो चुकी टाइम पास की बातें, आप रख लेते हैं दोनों जैंट भी, इसको पिकअप कर लेते हैं और दोनों हाइव्स को कर देते हैं सेटअप, ताकि इसमें हनी बनना चालू हो जाए, हम लोग थ्रेजिनों की केबल बना सके। सो दोनों को ही सेटअप करने के लिए इसमें रेयर फ्लावर रखता है, आधा आधा रेयर फ्लावर रख देते हैं दोनों ही हाइव्स में, और जल्दी इसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग केबल बना सकेंगे और थ्रेजिनों को कर सकेंगे, क्योंकि वेजीज करना बेवकूफ़ी है, जो उन्होंने वेजी लगाई हैं वेजी से छोटे मोटे हो जाते हैं, जो कि काफ़ी जल्दी जल्दी खाते हैं, या फिर जिनका टॉप ऑर्डर रेट हाई नहीं है, पर थ्रेजिनों नहीं करने वाला है। सो लेट्स जस्ट हॉप ऑन टू आवर मैनाक आर्मर, लेट्स गो टू थ्रेजिनो। सो गाइस मुझे एक बात पता चली, और बहुत ही नए लॉन्डो वाली बात थी, कि मुझे मैं ये चीज़ भूल गया था कि एक्सेप्शन केबल में हनी नहीं लगता, उसमें फोकल चिली लगती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केबल में लगता है हनी। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी केबल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के लिए, यानी कि ग्रिफिन, जैसे कि रॉक एलिमेंटल, यूट्रेनस। सो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर थ्रेजिनो। सो चलते हैं हम लोग एक्सेप्शन केबल बना के थ्रेजिनो को टेम करने। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं थ्रेजिनो टेम करने, और बिल्कुल आपको मेरे सामने थ्रेजिनो टहलता हुआ दिख रहा होगा। ये रहा मेल थ्रेजिनो, और जो ये गाछा वाली जगह है ये बेस्ट है फॉर टेमिंग हर्बीवोर क्रीचर्स, जितने भी हर्बीवोर क्रीचर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बेस्ट लेवल के क्रीचर्स मिलते हैं। क्योंकि एक्सटिंक्शन जो है, जैसे कि आइलैंड है, एबरेशन है, और स्कॉच डर्थ है, इसी तरह वाले शुरुआती वाले मैप्स की तरह है वो, तो उसमें जो है जो क्रीचर्स के लेवल्स हैं वो काफ़ी कम हैं। चाहे आप उसको भले ही मेन मेन्यू से या अपने सर्वर पे कह के उसको बहुत ज़्यादा लेवल्स करवा दें, मतलब ऑब्वियसली अगर आप ओवर पावर्ड करा देंगे तो बढ़ ही जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप
नॉर्मल जो बेसिक वनीला होता है वो कराएंगे तो वो नहीं होगा। तो अगर आपको अच्छे लेवल के हर्बी बोर्स करने हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, जो कि गाचा की जगह है जहाँ पे गाचा स्पेसिफिकली स्पॉन होते हैं। यहाँ पे सभी हर्बी बोर्स आपको मिल जाएंगे बेस्ट लेवल्स के। मुझे आपके सामने दिख रहा होगा, आप लोगों के सामने 13 150 लेवल का मैक्स मिल गया है। सो मैंने दो पॉइंट आउट करे हैं, दो सर्कल आउट करे हैं। एक 13 है मेल जो कि सामने 150, और एक है 145 फीमेल। तो हम लोग दोनों का ही काम हो जाएगा। और 13 की ये आदत है नौटंकी करने की, अभी इसका तौर पर बढ़ा नहीं है इतना कि ये भाग रहा हो, जब सिर्फ नौटंकी कर रहा है अभी ये वापस आएगा। अभी मैं तो कह रहा हूँ दिखते रहिए, आएगा ज़रूर ये वापस। सो दैट्स देर, दिख गया आप लोगों को, कर ली इसने नौटंकी। सो बस ऐसे ही आपको एक वेंटेज पॉइंट ढूंढ लेना है। 13 के लिए कोई खास टिप नहीं है, बहुत ही मतलब आसान टिप तो बिल्कुल नहीं है ये, आपका बहुत कुछ मीडियम टू हाई एंड टेम कह सकते हैं आप, क्योंकि रेक्स के आसपास ही आप इसको टेम करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डैमेज आउटपुट देता है ये, और बिल्कुल भी हलवा टेम नहीं है, बहुत ही तेज़ दौड़ता है, बहुत हर तरीके से अच्छा है ये, तभी इसको आप बॉस फाइट्स में यूज़ कर सकते हैं। और बॉस फाइट्स में हम लोग इसको इसलिए यूज़ करने वाले हैं, हो चुका है इसका टॉप ऑफ, पड़ चुका है वन मोर हिट एंड नहीं पड़ा, नीचे जाना पड़ेगा जल्दी से, इससे पहले कि ये पानी घुस जाए, क्योंकि पानी में लोग घुसने की बहुत ख़राब आदत है। रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एक तो हिट ले ले बेटा, ये ले ये ले ये ले ये ले, अबे चल चल गया, ओके। सो हम लोगों ने अपनी लॉन्ग नेक को भी असेंडेंट कर लिया था। सो हाँ, मैं ये कह रहा था इसको कितनी रखनी की 6, ओके। तो 6 केबल डाल देते हैं और नारकोटिक डाल देते हैं, और अब इसको होने में थोड़ा समय लगेगा। सो हाँ, ये ड्रैगन से कम डैमेज लेता है, सो इसलिए हम लोग जो हैं इसको जो है अपनी बॉस फाइट में यूज़ करेंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि असल में थर्ज़ीनो असल में एक क्रीचर था प्री हिस्टोरिक टाइम में। सो आप लोगों को मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि असल में कितना बड़ा है। तो ऐसे तो आप लोगों को ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा होगा, पर अभी हम लोग लेटते हैं, मेरा प्लेयर पूरा 6 फिट का है। सो अब आपको दिखेगा कि हम लोग इसके क्लॉ के बराबर हैं, बल्कि इसका क्लॉ भी बड़ा ही है। हाँ, तो इसका 6 फिट का केवल क्लॉ है, तो समझ लीजिए आप थर्ज़ीनो कितना बड़ा होगा अगर इसका सिर्फ 6 फिट का क्लॉ है। सो बहुत बड़े क्रीचर्स होते थे ये सब, और वी आर स्टक, दैट्स नॉट गुड। और मैंने कहा मैं जल्दी आया यार, फंस गए, जल्दी आओ, अबे आएगा, आ गया मुँह से, वाह हो गया, राइड हो गया। सो गाइज, दैट्स वी आर नॉट ट्राइंग इट अगेन। सो बस कभी भी हम लोग का थर्ज़ीनो होता ही होगा, टॉप और ट्रेंडेड आप लोग को दिख ही रहा होगा, जितनी देर में हम लोग बस कितना मैंने गार्मर को बुलाया और आए टॉप और देख लिया आपने कितने गिर के। ओके गाइस, हम लोग का थर्ज़ीनो बस जस्ट होने ही वाला है, कभी भी होता ही होगा। 97% था, तो सोचा मैंने कि रिकॉर्डिंग फिर से शुरू कर दी जाए, क्योंकि जस्ट ये होने ही वाला है। और हम लोग को जाना है फीमेल थ्री भी करने, खा ले अब, नहीं यार तुमको खिलाना पड़ जाए हमको, मतलब नारकोटिक। सो हाँ, तो टिप अगर आप लोगों को चाहिए हो, अगर आप इसको बॉस फाइट में यूज़ कर रहे हैं, तो स्वीट वेजिटेबल केक बना के इसकी इन्वेंट्री में लेके जाइएगा। कार्निवोर्स के लिए कोई स्पेसिफिक फूड नहीं होता है, क्योंकि वो लोग मीट ही खाते हैं ऑब्वियसली, ये लोग स्वीट वेजिटेबल केक खाते हैं, और स्वीट वेजिटेबल केक खाने से एक बार में 300 की हेल्थ बढ़ती है, और ये लोग स्वीट वेजिटेबल केक काफ़ी तेज़ खाते हैं, और 300 की हेल्थ एक बार में बढ़ने से आपको फ़ायदा ये रहेगा कि जब आप ड्रैगन की फ़ाइट करने जाते हैं, तो पहली बात तो ड्रैगन जो है वो हर्बीवोर्स को कम डैमेज करता है, ऊपर से रेक्सिस को ज़्यादा डैमेज करता है यानी कार्निवोर्स को, और पहला तो आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा, और दूसरा फ़ायदा ये मिल जाएगा कि ये हेल्थ तुरंत थोड़ा थोड़ा बढ़ा देगा। मीट वो लोग देर में खाते हैं, स्वीट वेजिटेबल के लोग जल्दी खाते हैं, और 300 की हेल्थ भी बढ़ा देते हैं तुरंत। सो दैट्स वन ऑफ टू ऑफ द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट विथ 3। तो जल्दी हम लोग ड्रैगन की फाइट करने वाले हैं, वी नीड टेक टेपेरा सैडल, क्योंकि हम लोग को टाइटन्स टेम करने हैं, और टाइटनोसॉर तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाई दिया था, पहला हम लोग का टाइटन हो चुका है, बचे हैं केवल 3, केवल नहीं मतलब पूरे पूरे 3 ऑब्वियसली, पर देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं हम लोग
डेजर्ट तो मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा, डेजर्ट काफ़ी आसान है। फॉरेस्ट मुश्किल है और आइस तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आइस जमा देता है हवा में और काफ़ी एजाइल भी है आइस। डेजर्ट तो खड़ा ही रहता है, आप लोग देख ही चुके हैं जब मैंने केल दर्द टाइटन वाली वीडियो बनाई थी, बस उसके फ्लॉक्स थोड़ा बचे रहना है, सारा शूट शूट लेके जाएंगे। सारा अपना आपका भाई सारा इंतज़ाम करके जाएगा, डोंट वरी, फुटेज भी जल्दी ही आएगी। बस जल्दी से हम लोग थरी ले जाके और मेल फीमेल ब्रीड करा लें, आर्मी बना लें, ड्रैगन फाइट कर लें। ड्रैगन फाइट की फिर से मैं वीडियो डाल दूंगा, पिछली बार भी उन्होंने डाली थी, पटेगी फिर से डाल दूंगा। यूटी करना पड़ेगा उसके लिए, मुझे यूटी भी चाहिए टू बूस्ट देम। रेक्सिस हम लोगों ने ब्रीड कराए थे फॉर ओसीडी यानी ऑर्बिटर सप्लाई ड्रॉप, ओएसडी सॉरी, पर ऑर्बिटर सप्लाई ड्रॉप ने धोखा दे दिया। ओके सो थैरी हो चुका हम लोग का, सो एक काम करते हैं थैरी को कर लेते हैं क्रायो जल्दी से और चलते हैं अपना फीमेल थैरी करने, जो कि मैंने उसके क्वार्ट्स लिख ली और नार्कोटिक्स भी रख लेते हैं। सो चलते हैं हम लोग सीधे उसी में। ओके सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट थरी लोकेशन की तरफ जो कि यहाँ पे है, और कुछ टाइम और पड़ा है मेरे पीछे, सो इन लोग को मार लेते हैं इससे पहले कि हम लोग का कांड कर दें। सीधे आपको प्लेयर को मारते हैं, आपको पता होगा डेमॉर्फोस। सो ये रहा थरी 11145 फीमेल, सो इसी को करेंगे हम लोग। सो ऑलरेडी आप थरी देख चुके हैं कैसे किया जाता है, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, सीधे करते हैं टाइम लैप्स। तो गाइस थरी तो हो ही रहा है, मुझे यहाँ पे मेसोपिथिकस घूमता हुआ दिख गया, सो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी टेम कर ही लिया जाए, छोटा एक टेम हो जाएगा। हम लोग अक्सर छोटे मोटे टेम करते रहते हैं आसपास जो घूमते रहते हैं, तो इसको भी कर ही लेते हैं। इसको वेजी दिखा तो रहा है ऑसन फाइव ग्लास, लेकिन इसको लगता सिर्फ मेसोबेरी है, सो मेसोबेरी खिला लेते हैं। सो बिल्कुल ही एकदम ओरिजिनल बंदरों वाली आवाज़ दी है इसको, मीज़ोपिथिकस को। तीन बंदर हैं इसमें, तीन पिथिकस हैं इस गेम में, मीज़ोपिथिकस, जैगेंटोपिथिकस और मेगापिथिकस। सो मेसोपिथिकस वही है। सो ये एक वैसा टीम है, पैसिव टीम दिख ही रहा होगा आप लोगों को, अपने लास्ट हॉट बार में आपको मेसोबेरी रखनी, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एबिलिटी है मेसोबेरी की जो मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगा। इसको अगर आप हिंदी में कहना चाहें और हिंदी यूट्यूबर्स के नाम मतलब कि लैंग्वेज में कहना चाहें तो इसको चोर बंदर कहते हैं, क्योंकि ये पीवीपी में चोरी के काम आता है। कैसे आता है वो मैं भी कर देऊँगा तो लोग दिखाऊंगा। तो कर लेते हैं, मुझे एक अच्छे लेवल का मेसोपिथिकस मिल गया, उधर हम लोग का थरी हो रहा है। सो मैंने सोचा कर ही लेते हैं, चलो भी जब कर रहे हैं तो। सो काफ़ी देर लगने वाली है, बस ये देखना ले हम लोगों को। ओके सो ये एक अच्छा ऑसम स्पाई क्लास में एक अच्छा जो अपडेट आया था उसकी वजह से ये हो गया कि अब रेडी टू ईट का लिख के आने लग गया है। पहले ये नहीं होता था, पहले आपको खुद जाके चेक करना पड़ता था पास में जैसे आप करते हैं नॉर्मली। फिलहाल तो रेडी टू ईट आ रहा है, और बस कभी भी ये मांगता ही होगा। इफेक्टिवनेस ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है,
अरे तेरी बंदर साले, देख लिया शिट। चलो जल्दी से तरीके को चेक कर लेते हैं, इससे पहले की उठ जाए। तो टॉप ऑर्डर रेट काफ़ी हाई है। ओह वाओ, काफ़ी कम गए। तुम्हारा क्या लेवल है? 15। ओके तो 15 ही कर लेते हैं। क्या करें यार, 130 वो क्या है, 45। वाओ तुम फीमेल हो, मेल फीमेल दोनों यहाँ पे टहल रहे हैं। काफ़ी लो लो लेवल के हैं वैसे भी, बड़े आई मीन इन क्रीचर्स का कोई काम तो इतना खास है नहीं। और हम लोग को बॉस फाइट ले जाने वाले हैं, घर पे ही रखेंगे, कलेक्शन के लिए कर रहे हैं। और आपको जो एबिलिटी भी दिखानी इसकी, सो ग्लोई लेवल का कर लेते हैं। अब क्या ही करें, अब हमें 130 वाले के पीछे फिर नहीं जाने वाला। ऐसे ही वहाँ बहुत हो गया आज के दिन, काफ़ी टेम्स हम लोगों ने कर लिए, 2 टेम्स ऑलरेडी कर चुके हैं। सो मैं तो प्रतिक्रिया उसको जो है ग्लोई लेवल का कर लेते हैं, लेकिन चलते हैं घर। और ये हो भी जाएगा जल्दी, कम माथा बच्ची होगी। हाँ थोड़ा दूर ही रहिएगा, गिली सूट हम लोग पहने से इसलिए देख नहीं पा रहे। अभी देखा गया अपने पास घुस गया तो नौटंकी हो गई थी। अरे भी घूम रहा है यार आगे, रेडी टू ईट, पहुंच गए। ओके शायद ये केबल खाता है शायद, पर लाए तो है नहीं तो कर लेते हैं। मैं तो बेरी से भी कर ही लो, ज़्यादा आसानी है, कोई खास डिफिकल्ट तो है नहीं। बेसिक केबल भी कुछ खास नहीं है ज़रूरी खिलाने, और बेसिक केबल भी बन जाती है डोडो अंडे से, डोडो करना कौन सा बहुत मुश्किल है। सो यह काम करते हैं कि इस पर भी आप लोग को ज़्यादा ना बोर करते हुए, क्योंकि दोनों ही मैथ प्रैक्टिस करने हैं और काफ़ी टाइम लगने वाला है। ओके सो गाइस, हम लोग का मेसोपोटामिया हो चुका है टीम, और जल्दी से इसको रख लेते हैं अपने गर्दन पे। और ये रहा मेसोपोटामिया मेरे गर्दन पे, आप लोगों को दिख रहा होगा। सो अपने थरी को भी देख लेते हैं, बस होता ही होगा टीम, जल्दी से हो जाए यार। अरे इसको भी समय है। सो गाइस ये रहा आपको मेसोपोटामिया बिल्कुल सामने से आपको दिखा देते हैं, भयानक आंखों वाला। सो ऐसा दिखता है आपको मेसोपोटामिया। और बाकी और तो कुछ खास दिखाने वाला है नहीं, बाकी जो भी दिखाना है घर पे दिखाएंगे आप लोगों को। तो इसको कर लेते हैं क्रायो, ये दिख रहा है आपको बिल्कुल सामने से। और इसकी इन्वेंट्री में मैं तो वहाँ सारी बेरीज डाल देते हैं। अच्छा हाँ, हम लोग के पास थोड़ी क्रायो की कमी है, जो मैं भूल ही गया था, थोड़ी क्रायो की कमी है अभी हम लोग को थोड़ी। और मैं सोच रहा था यहाँ तक आए गए हैं तो थोड़े और 20-20 कर लेते हैं। सो थोड़ी क्रायो की कमी है, सो मैं तो प्रतिकस को गर्दन पे रख लेंगे, बाकी बाकियों को जो है ले जाएंगे क्रायो में। सो गाइस एक काम करते हैं, हम लोग सीधा कट करते हैं 2R बेस, जहाँ पे हम लोग आपको मैं आप लोग को मेसोपोटामिया और थ्रेडिनो की एबिलिटीज और अटैक्स और डैमेज दिखाता हूँ। सो गाइस मैंने ये एक छोटा सा घर बनाया है ताकि मैं आप लोग को मेसोपोटामिया की जो वो होती है एबिलिटी, चोर बंदर वाली एबिलिटी, उसको दिखा सकूँ। सो इसको बस किसी तरह इस दरवाजे के खिड़की के अंदर रखना है, किसी तरह अगर हम लोग डाल पाएँ। काफ़ी ट्रिकी काम है, बहुत ही मुश्किल से जाता है। पीवीपी में आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो होता कुछ ये हुए हैं कि आप इसको जब अगर खिड़की से सक्सेसफुली डाल देते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है, तो अगर आप इसको बुलाएंगे अपने पास, इसको फॉलो करा देते हैं, फॉलो करा के फेंकिएगा अंदर, तो उसके बाद जब आप दूर जाएंगे तो ये जो दरवाज़ा अगर लॉक्ड भी है तो उसको अनलॉक कर देगा पीवीपी में। ये इसकी एक चोर पने वाली एबिलिटी कह सकते हैं, ऑलमोस्ट चला गया था। A few moments later. कुछ और अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं मे बी हो जाए। 2 hours later. और थोड़ी, अरे यार बस किसी तरह, अरे जरा सा रह रहा है, थोड़ा सा ही मारना है, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा साला। 1 eternity later. बस जा ही रहा है गाइस, जाता ही होगा। ओके सो देयर इट इज़, ये चला गया घर के अंदर। सो मैंने इसको फॉलो करा लिया, मैं दूर जाता हूँ। सो देखिएगा, ये आपने देखा इसने अनलॉक कर दिया,
दरवाजे को ऐसे ही अनलॉक कर देता है। ये दरवाज़ा मतलब मेरा तो था, लेकिन दरवाज़ा खोलने के लिए उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है। इंटरेक्ट कहाँ किया मैंने, सिर्फ उसको फॉलो कराया था, ये मेरे पीछे पीछे आया था, दरवाज़ा खोल दिया। सो ये है उसकी वन ऑफ दी एबिलिटीज़ ऑफ मेसोपिथिकस। बाकी यही है, ये है आपके मेसोपिथिकस दोनों इन ब्रॉड डे लाइट। सो दोनों को रख देते हैं अंदर और दोनों को कर देते हैं जो क्या होता है इसका, जो भी इसका होता है, हाँ हिच, हिच कर देते हैं इसमें, ये लोग कहीं भागने ना पाए। दूसरा भी ले आते हैं जल्दी दौड़ के। उसके बाद मैं चलता हूँ आप लोगों को थरेजिनों की एबिलिटी अटैक्स और किस काम आता है मेन थरेजिनो वो दिखा देता हूँ। और मुझे कमेंट सिर्फ एक ही मिला कि हम लोग को क्या कलर करना चाहिए ऑन आर मैक, एनफोर्सर्स का नहीं मिला है। तो अब मैं और इंतज़ार नहीं करने वाला, अब मैं अगली या हो सकता है उसकी अगली वीडियो जो है मैक कलर कर दूँ। सो चलते हैं हम लोग थेरी करने। सो गाइस आ चुके हैं हम लोग थेरी की एबिलिटी और अटैक्स आप लोग को दिखाने। सबसे पहले जो पहला थेरी है वही निकाल देते हैं जो भी हो रैंड। तो मैंने इसकी सैडल बना ली है, बहुत महंगी सैडल नहीं होती है भाई, एक बेसिक सी सैडल है, स्मिथी भी बन जाती है काफ़ी आसानी से। और ये रहा आपका थेरी फ्रॉम द फ्रंट, बड़े बड़े क्लॉज के साथ। सो मेन ये वुड हार्वेस्टिंग फाइबर हार्वेस्टिंग के लिए होता है, आप वुड भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये इसका फाइबर हार्वेस्टिंग वाला अटैक है ये राइट क्लिक से, और ये इसका सी है बाइट अटैक जिससे कि ये बेरी हार्वेस्ट करता है, और ये इसका लेफ्ट क्लिक अटैक है जो हम देख रहे थे आप क्लॉ अटैक ये वाला, इससे ये वुड हार्वेस्ट करता है, वुड और थैच, वुड ज़्यादा थैच कम। और बाकी बस यही है अटैक्स। अब आप लोगों को डैमेज, अच्छा हाँ एक चीज़ और दिखानी थी, इसके हार्वेस्टिंग लेवल्स भी आते हैं। सो आपको पहले इस पर पॉइंट्स डालने पड़ेंगे, हम लोग इसमें पॉइंट्स डाल देते हैं या थोड़ा सा मेरे डैमेज में डाल देते हैं, बाकी हम लोग बाद में हेल्थ में डाल देंगे। सो ये था इसकी अबिलिटी, क्या कहते हैं उसको, अपग्रेड एनिमेशन। सो इसमें दो हार्वेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, डेलिकेट और पावर। पावर अगर आप पावर में ज़्यादा पॉइंट्स डालेंगे तो ज़्यादा वुड निकालेगा, अगर आप फाइबर में डालेंगे तो ज़्यादा फाइबर निकालेगा। सो इतना सा फ़र्क है। सो हम लोग को मेन ज़्यादा फाइबर निकालना है, सो हम लोग फाइबर में ज़्यादा पॉइंट्स डालेंगे। सो मैं अभी दूसरा थेरी भी निकाल लूँगा तो आप लोग उससे अपग्रेड एनिमेशन दिखा दूँगा अगर आप लोग क्लियरली ना देख पाए हो। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग, आपको वुड की कितनी, वुड कितनी हार्वेस्ट करता है ये और डैमेज कितना करता है ये अपने लेफ्ट माउस वाले अटैक से। तो देख ही लिया हमने 260 का डैमेज, और वुड भी दिखा देते हैं आप लोगों को। सो अच्छी खासी वुड निकाल रहा है, 136 वुड, 306 वुड, ओह नाइस, 306 वुड और करीब 137 फाइबर एक बुश से। सो बुश मेन फाइबर का ये ज़्यादा कलेक्टर है, ज़्यादा अच्छा कलेक्टर है क्योंकि फाइबर पे सेकंड नंबर पे जाएगा एंटोपेथिकल से, फर्स्ट नंबर पे यही है। लेकिन वुड की मेन प्रॉब्लम ये है कि वुड में इससे ऊपर भी एक है आदमी, और वो है कैस्टेरॉइड यानी कि बीवर, जो कि इससे ज़्यादा वुड निकालता है, इसलिए ये काम नहीं आता है। बाकी ये दो अटैक्स मैंने आप लोग को दिखाई दिए, और आप लोग को बेरी वाला भी दिखाते थे ये रहा। तो इससे बेरीज निकलती हैं, इससे सीड्स भी निकलते हैं, आप बेरी और सीड्स दोनों निकाल सकते हैं इससे। और एक चीज़ आप लोग और दिखानी थी कि अगर जैसे आप किसी टॉप पॉइंट्स गिर रहे हैं, ये क्या है, आवाज़ कैसी आ रही, अच्छा ओ मुझे लगा क्या आ गया इतना बड़ा जो ये अर्थक्वेक वाली आवाज़ आ रही। सो अगर आप, अरे थोड़ा ऊंचा नहीं है इतना। सो जैसे अगर आप कहीं ऊंचाई वाली जगह से कूदते हैं थरी को लेके, तो ज़्यादा ऊंचाई नहीं वरना मर ही जाएगा, तो अगर आप लेफ़्ट क्लिक दबाते हैं जो कि ये वाला है अटैक, ये करने की जगह ये सी वाला अटैक कर देता है, ये वाला 208 का डैमेज था, देख ही होगा आपने, 60 का डैमेज फाइबर वाला है। और ये हाँ, ये मीट भी हार्वेस्ट करता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों ना पता हो, ये मीट भी हार्वेस्ट करता है हर्बीवोर होने के बाद भी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो जैसे ये एक हाइट है और ये हम लोग कूदे, सो ये मैंने लेफ्ट माउस बटन राइट माउस बटन दबाया है, सी नहीं दबाया है। सो ये एक छोटी सी चीज़ मुझे दिखी, मैंने सोचा आप लोग बता दें, ये गेम खेलते खेलते आप लोग को ये सब दिख जाता है अगर आप काफ़ी खेलते हैं ए ये। सो ये था, और बाकी और क्या रह गया है, बाकी आप लोग को अपग्रेड एनिमेशन ही दिखाना है आई थिंक। ये
ये हाँ तो कभी कभी नहीं होता है, पर ये रहा अपग्रेड एनिमेशन, ये सो ये रहा इसका अपग्रेड एनिमेशन, काफ़ी यूनिक। सो गाइज दैट वॉज प्रिटी मच वीडियो ऑन थेरेजिनोसॉर एंड जायंट बी, और दूसरा थेरेजिनो भी निकाल लेते हैं आप लोग को। अच्छा हाँ, इनो का जो वो होता है कोई मेट बूस्ट होता है, लेकिन मेट बूस्ट होने की वजह से कोई एक्स्ट्रा अटैक नहीं आता जैसे कि एलोसॉरस में आता है। सो इसमें कुछ नया नहीं है, दोनों ही सेम है। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और ऐसे ही न्यू वीडियोस आती रहेंगी। आप लोग आके डिस्कॉर्ड में, मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक फर्स्ट पिन कमेंट में होगा, आप लोग डिस्कॉर्ड पे आके सजेशन दे सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे आके सर्वर्स ढूंढ सकते हैं, एक दूसरे से बात करके एक कम्युनिटी बना सकते हैं कि जिसमें कि आप लोग को सर्वर्स मिल जाएँ अच्छे। और ये हाँ, ये काफ़ी फनी एनिमेशन है इसका, दौड़ते हुए करने का, अपने सर के ऊपर राइट क्लिक वाला अटैक करता है ऐसे, ये जैसे पता नहीं क्या करना चाह रहा है। सो बस दैट्स इट गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।